हेलो दोस्तों, बहुत देर से बहुत सारा कॉल और मैसेज आ रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है और अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, तो चलिए आज हम सोचे हैं कि निकालते हैं अपना पुराना बक्सा में से अपना अटेस्टेशन फॉर्म और देखते हैं क्या क्या लिखा रहता है उसमें। बुरा मत मानिएगा, मेरा रूम का यही हाल हो गया आप लोग का पढ़ाने का चक्कर में। इधर भी किताब, इधर भी किताब, इधर भी किताब, और इधर तो खैर किताब से ही भरा रहता है। मतलब रूम का तो हम कबाड़ा बना दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, ढूंढते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। तो खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। क्या क्या है भाई इसमें? ये तो बड़ा अच्छा चीज मिल गया। क्या चीज है, कोई अंदाजा लगा सकता है क्या है? सीसीएल का फॉर्म फिलअप किए थे वो है। और देखिए किस तारीख को ये हम अटेस्टेड किए थे, 4/2/2018, जिस दिन मेरा वेरिफिकेशन था। ढूंढते हैं, ये है WCL का क्वेश्चन, जूनियर ओवरमैन का क्वेश्चन, रेस्क्यू रूल, सेकंड क्लास मैनेजर का क्वेश्चन। क्या क्या है भाई और देखते हैं, NCL का क्वेश्चन, WCL का क्वेश्चन, मेरा सिलेक्टेड लिस्ट। भाई अटेस्टेशन फॉर्म मिलो, कहाँ चल गए? हाँ मिल, नहीं, ये तो CMPF का फॉर्म है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ढूंढ रहे हैं। इतना पेपर हो गया है ना इस पे, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ मिला 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 लगता है। अटेस्टेशन फॉर्म तो मिला, देख लीजिए यही होता है अटेस्टेशन फॉर्म, है ना? लेकिन अभी पूरा है कि नहीं देखना होगा, कितना पेज का रहता है। शायद शायद एक पेज और रहता है दोस्त, ढूंढते हैं उसको भी। कंप्लीट अटेस्टेशन फॉर्म ढूंढते हैं। चलिए इसको हम इधर साइड में रख देते हैं ताकि आगे का खोज जारी कर सके। देखिए ये हम लोग का CCL वाला जो वैकेंसी। अच्छा हाँ एक चीज और देखिए, बहुत सारा बोल रहे थे MS1, MS2, थर्ड ईयर, बहुत सारा लोग ढूंढ रहे थे ना कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरे। देखिए यही सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम ले गए थे, है ना? फोटो ले गए थे, 10th का सर्टिफिकेट ले गए थे, 10th का पासिंग ले गए थे, 12th का मार्कशीट ले गए थे, 12th का पासिंग ले गए थे, डिप्लोमा पासिंग ले गए थे, MS माइनिंग सरदार, ये क्या लिखे हैं भाई, MS1, MS2, MS3, पता नहीं क्या लिखे हैं। ये लगता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होगा। OBC, OT, GT, फर्स्ट एड, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और जेरोक्स 2 सेट। मिला अटेस्टेशन फॉर्म, देखते हैं मिल जाए तो। ये वाला हम लोग का जो वैकेंसी निकला था उसका है, ये वाला जो रिजल्ट निकला था। देख रहे हैं दोस्त, ढूंढ रहे हैं। हाँ इसमें मेरा लिखा हुआ था क्या क्या लेगना था, देख लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट लेगने बोला था उस समय ना। आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको हो सकता है थोड़ा एक आइडिया लग जाए, क्योंकि आप लोग को भी ये सब का तो ज़रूरत पड़ना ही है। वीडियो पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा एक बार। छोड़िए हम तो अटेस्टेशन फॉर्म ढूंढ रहे हैं ना, इसको रखिए। ये मेरा OBC है शायद, हाँ ये मेरा OBC है। जिनको OBC का नहीं पता चला था, OBC का देखिए, ये 9 तारीख को मेरा 9/4/18 को निकला हुआ था, यही मेरा OBC सर्टिफिकेट था। जिनको OBC को लेकर के क्लियर नहीं रहता है, देख लीजिए इसमें जैसे दो चीज़ जो मेंशन रहता है, कि पहला चीज़ ये कि फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट पोस्ट एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रहना एक जरूरी है। और दूसरा ये नॉन क्रीमी लेयर का जिक्र जो यहाँ ये वाला है ना, बिलोंग्स क्रीमी लेयर, है ना सर, डज नॉट बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, ये वाला OBC लगेगा, कोई दूसरा OBC नहीं लगेगा। अटेस्टेशन फॉर्म मिला लगता है। कंप्लीट हो गया, मिल गया अटेस्टेशन। नहीं, ये तो CMPF का फॉर्म है।
ढूंढते हैं फ्रेंड्स, ढूंढते हैं आप लोगों के लिए। इतना तो मेहनत करेंगे ही हम, आखिर आप लोग मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर्स हैं। देखते हैं मिल जाए। तो फाइनली दोस्त अटेस्टेशन फॉर्म मिल गया है, और ये एकदम ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म है जो हमको, अरे अरे ये कौन सा टिकट है भाई, 54 to 17। फ्रेंड्स देखिए हमको क्या मिला, ये वही टिकट है जिससे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के NCL से आए थे। देखिए NCL से आए थे, 54 to 17 का टिकट कटाए थे, 145 रुपया लिया था। इसको संभाल के रखना होगा यार, इसको संभाल के रखना होगा। चलो इसको हम अच्छा जगह रख देते हैं। खैर छोड़िए, अटेस्टेशन फॉर्म मिल गया। देखिए ये अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, ये करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेज का ये फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है और इसको कैसे कैसे भरा जाता है, तो कमेंट में धड़ाधड़ लिखते जाइए कि हाँ सर हमको देखना है, तभी हम इसका वीडियो बनाएंगे। अगर लोग इंटरेस्टेड है तभी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, लोग इंटरेस्टेड ना हो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आप लोग का कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।